नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का सिलेबस के बारे में। तो दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020 का जो भी एग्जाम देना चाह रहे हैं या उसका तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग पूरा सिलेबस का वीडियो लाए हैं। तो आप लोग को पता ही है कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, तो फॉर्म जो है मार्च का लास्ट वीक में आ जाता है। 20 मार्च के बाद कभी भी फॉर्म आपका आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म। एग्जाम कब होता है ये भी आपको पता होगा, एग्जाम जो है जून का फर्स्ट वीक में ही हो जाता है, जून में। और रिजल्ट जो है इससे 10 से 15 दिन के बाद, मतलब लास्ट वीक जून का लास्ट वीक, उसके एक हफ्ता के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आप दिल्ली के हो तो भी आप एक फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के लिए 10th पास चाहिए। मैं मेनली टेस्ट 1 का पूरा डिटेल बता रहा हूं, जो इंजीनियरिंग के लिए मेनली होता है, और कुछ नॉन इंजीनियरिंग का भी है लेकिन मेनली इंजीनियरिंग का है टेस्ट 1, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। तो इसको कौन भर सकते हैं, जो भी 10th पास है या अपेयरिंग है, जो इस साल मैट्रिक दे रहे हैं 2020 में, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो दिल्ली के भी बच्चे दे सकते हैं, स्टूडेंट दे सकते हैं एग्जाम, और दिल्ली के बाहर के भी स्टूडेंट एग्जाम इसमें दे सकते हैं। दिल्ली वाले के लिए 85% सीट रिजर्व है और 15% आउटसाइड दिल्ली के बच्चे के लिए है। तो आप आउटसाइड भी दिल्ली के हो, यूपी के हो, झारखंड, बिहार, कोई भी स्टेट के हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। दिल्ली वाले के लिए 85% सीट रिजर्व है। तो चलिए सिलेबस के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सिलेबस जो है आपका 5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो दिल्ली का जो पॉलिटेक्निक एग्जाम है उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें मैथ का क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है, 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है 50, फिजिक्स का होता है 40 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का होता है 30 क्वेश्चन। 50, 40, 30, कितना हुआ, 120 क्वेश्चन आपको मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी मैथ और साइंस से आपको 120 क्वेश्चन है। बाकी जो बायोलॉजी और इंग्लिश है इससे 15-15 क्वेश्चन होता है। टोटल क्वेश्चन कितना हुआ बताओ, 120 या 15-15, 30, 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। और जितना भी क्वेश्चन होता है वो मार्क्स उसका होता है 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, यानी 200 नंबर का आपका मैथ होता है, 160 मार्क्स का आपका फिजिक्स होता है और 120 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री होता है, और बायोलॉजी जो होता है 60 नंबर और इंग्लिश भी होता है 60 मार्क्स, यानी टोटल कितना मार्क्स हुआ, तो 150 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो 600 टोटल आपका एग्जाम 600 का होता है। और इसका सिलेबस क्या होता है, मैथ में किस लेवल के सवाल आएंगे, फिजिक्स में किस लेवल के आएंगे, तो इसके लिए डरना नहीं है। 9th और 10th, बस यही आपका सिलेबस है, 9th क्लास और 10th क्लास। मेनली उससे भी क्वेश्चन रहेंगे किससे, 10th से। 9th आप अच्छे से पढ़े हो, 10th में चले गए हो, 10th को आप अच्छे से कर लो, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे हम लोग पूरा तैयारी कराएंगे, दिल्ली पॉलिटेक्निक का पूरा तैयारी हमारे चैनल पे आपको कराया जाएगा। तो आपको 9th और 10th से सवाल रहेंगे, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, फुल्ली 9-10। इसको आपको अलग से तैयारी उतना करने की जरूरत है नहीं, लेकिन अब आप बोलोगे सर टाइम कितना दिया जाता है, टाइम तो ज्यादा होता नहीं है, 2 hours 30 minutes, 150 मिनट, टाइम आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटा 30 मिनट, तो 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, तो टाइम काफी कम होते हैं, तो आपको स्पीड में बनाना रहता है।
तो मैथमेटिक्स हम लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आपको देख देख कर आंसर करना होगा और आपका जो आंसर है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, एबीसीडी आपको करना रहता है, क्लियर है। तो आपको 10th लेवल का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश करना है। ज्यादा आपको फोकस मैथ पे करना है क्योंकि ये आपका कितना मार्क्स का है, 200 मार्क्स का है, इसलिए आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है, मैथमेटिक्स। उसके बाद किस पे फोकस करना है, फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अगर बायोलॉजी इंग्लिश पे आप ज्यादा ध्यान नहीं भी दोगे तो आपका प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप मेन 120 क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर ही लिए। अब बात करोगे सर इसपे सरकारी कॉलेज लाने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ता है, कितना क्वेश्चन बनाना पड़ता है, तो यदि बात करोगे तो 150 क्वेश्चन है, तो कम से कम इसका कोशिश करो आप 70-80% आप कर लो, मतलब जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा ब्रांच मिलेगा। दिल्ली में टोटल सीट इसके लिए 5000 ही है, 5000 है, तो 5000 में 15% है आउटसाइड दिल्ली के लिए, 85% है दिल्ली वालों के लिए, तो सीट काफी कम है, इसलिए रैंक आप जितना अच्छा लाओ तो कोशिश करो कि आप कम से कम 80 क्वेश्चन सही कर दें, 80 क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन सही करोगे तो 4 मार्क्स के हिसाब से कितना आ जाएगा, 320। तो अगर 320 प्लस आप लाओगे आपको आराम से सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कोशिश करना है हम लोगों को कि 400 नंबर ला दे, मतलब 100 क्वेश्चन सही कर दे 400 नंबर, ताकि बहुत अच्छा रैंक आए, बहुत अच्छा कॉलेज ब्रांच जो चाहो आप लोग, क्लियर है। ऐसे आप 80 से कम भी सही करते हो, 70 क्वेश्चन भी सही करते हो, कभी कभी कैटेगरी वगैरह है तो 60 क्वेश्चन भी आप करते हो तो सरकारी कॉलेज मिल जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन करे, क्लियर है। अगर आप टारगेट अच्छा करके जाओगे कि नहीं मेरा तैयारी है 100 क्वेश्चन कम से कम टच करने का, तो आप आराम से 80-90 क्वेश्चन कर सकते हो और पूरा हम लोग तैयारी आपको में मदद करेंगे आपको। उसके बाद यदि बात करोगे मार्क्स का, तो आप 80-90 क्वेश्चन सही करो, मार्क्स तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कितना नंबर आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। उसके बाद एक और पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग होती है दिल्ली पॉलिटेक्निक में, नेगेटिव मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 एक गलत क्वेश्चन करोगे तो एक मार्क्स आपका काट लिए जाएंगे, तो इसीलिए आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं करना है। कोशिश करना है कि आप जो कंफर्म हो उसी को बनाओ, अदरवाइज आपका नेगेटिव मार्क्स में लॉस हो जाएगा, क्लियर है। तो बहुत सारे स्टेट का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं और बहुत सारा स्टेट में नेगेटिव मार्किंग होता है, जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक में नेगेटिव होता है, बिहार पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, क्लियर है। दिल्ली पॉलिटेक्निक में नेगेटिव मार्किंग होता है, तो इसीलिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप नहीं जानते उसको बनाने का जरूरत आपको नहीं है। तो सिलेबस आपको समझ में आया, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और सारा किस लेवल का, 10th लेवल का। तो आपका जो 10th का किताब है उसी को पढ़ो, जो 9th का किताब है उसी को पढ़ो, एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। और हम लोग ट्रिक पूरा कॉन्सेप्ट आपका हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, दिल्ली पॉलिटेक्निक में कोशिश करेंगे आपको सरकारी कॉलेज आराम से मिल जाए, आप 3 साल में अच्छे इंजीनियर बन जाओ, ये हम लोग का टारगेट रहेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू। जैसी फॉर्म मिल आएगा आपको मैं उस वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।